बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज बाजी के किचन में बनने जा रहा है सब्वे सैलेड, जिसको आप मैक्सिकन सैलेड भी कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने देखेंगे चिकन लिया, इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था। एक चुटकी दादर मिर्च, एक चुटकी नमक और थोड़ी सी जो अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और मैंने इसमें हाफ टी स्पून जो है वो सिरका भी डाला था, ताकि जब मैं इसको पकाऊं तो जो ये है बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा बने। तो हम इसको पहले पकाएंगे। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, देख लें। ये मैंने अनियन लिया, इसको मैंने काट लिया ऐसे बारीक बारीक स्लाइसेस में। ये मेरे पास जो है आइसबर्ग है, और ये मेरे पास जो है वो सलाद के पत्ते हैं, और ये एक लेमन है, ठीक है। ये मैंने कॉर्न ली है, और ये मेरे पास ऑलिव है भी स्लाइसेस में ऑलरेडी कटे हुए थे। और ये मेरे पास जो है जिसको अब तर कहते हैं, उसको मतलब खीरे के जैसी होती है, तो मैं इसको उसके अंदर यूज़ करूँगी। और ये बस टमाटो, इसको भी स्लाइसेस में आपके सामने काटूँगी। और मेरे पास ये सॉस है, बारबेक्यू सॉस है, इस कनोर की यूज़ की है मैंने, और इसके अंदर मस्टर्ड सॉस जाएगी, और साथ में ये ऑलिव ऑयल। यहाँ पर देख लें, मैंने हाफ टी स्पून काट लिया, और 2 इंच जो है वो ब्लैक पेपर है। उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि पहले हम चिकन जो है मैंने जो मैरिनेट किया है उसको बना लेते हैं, तो फिर दोबारा आके जो है तब तक ये बनता है, पकने के लिए रखा था, तब तक बाद में हमें वेजिटेबल्स काटूंगी। तो चलिए आए फिर स्टार्ट करते हैं। हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, और इसके अंदर जो मैं ये, और इसके अंदर ये मैंने डाल दिया चिकन का पीस, और इसको जो है वो हम पका लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन पक चुका है। अब जब जब ये ठंडा होता है ना, तो तब तक हम वेजिटेबल्स जो है ना वो उनकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम असेंबलिंग कर लेते हैं। मैंने डाल दिया प्याज, अब इसके ऊपर से मैं डाल दूंगी इसके ऊपर टमाटर, और अब जाएंगे सलाद के पत्ते, आइसबर्ग और टर्र खीरा जो मैंने डाला था वो, और जाएंगे ऑलिव और चिकन। अब जाएगा नमक, और जाएगी ब्लैक पेपर। इसको कर लेंगे मिक्स,
और अब सॉसेज ऐड कर लेंगे। इसके लिए हमारे पास जो मस्टर्ड सॉस है वो जाएगी 1 टेबल स्पून, ऑलिव ऑयल 1/2 टीस्पून, तकरीबन 1 टीस्पून ही जाएगा ऑलिव ऑयल, 3 भर के टेबल स्पून जाएगी जो मैंने आपको किनोर की दिखाई थी बारबेक्यू सॉस वो, और साथ डालेंगे चिली गार्लिक केचप 1 टेबल स्पून और इसको कर लेंगे मिक्स। देखिए ये क्या, 1 टीस्पून लेमन जूस और इसको कर लेते हैं दोबारा से मिक्स। तो हमने इसको जब कर लिया था मिक्स तो अब इसमें रह गई थी कॉर्न ऐड करनी, तो आप हमेशा जो है कॉर्न है उसको मकई जो है वो मैंने एक टिन लिया था तो उसमें से मैंने थोड़ी सी जैसे आपको दिखाई थी वो अब ऐड करनी है तो वो हम एंड पे ऐड करेंगे। तो इसको कर लेते हैं मिक्स और फिर हम इसको कर लेंगे सर्व। लास्ट पे आप इसको ऐड कीजिए, देखिए इसके कितने प्यारे हर कलर रेड ग्रीन ब्लैक येलो सब कलर्स आ गए हैं और अब इसको हम कर लेते हैं सर्व। तो मैं आपको सर्व कर दिखाती हूँ। ये देखिए जी हमारा सर्वे सैलड या मेक्सिकन सैलड रेडी हो चुका है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ही थी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।